अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है। जल्दी बोलो, मैं लेट हो रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे मायके जाना है, पर मुझे घर की बहुत याद आ रही है, और कल तो मम्मी का भी कॉल आया है। इनफैक्ट वो तो कह रही है कि हम दोनों साथ में आ जाए। कनिष्का तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें पता है मेरे पास कितना वर्कलोड है, मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। अपनी मम्मी को मना कर दो, फिर कभी चल देंगे। अच्छा तो कोई बात नहीं ना, तुम ऑफिस का काम कर लो, मैं अकेले चली जाती हूँ। नहीं, तुम भी नहीं जाओ। देखो मुझे मना मत करो, मैं काफी टाइम से मायके नहीं गई हूँ और मुझे घर की भी बहुत याद आ रही है, प्लीज मना मत करो। कनिष्का क्या हो गया है तुमको? तुम मेरे से जबान क्यों लड़ा रही हो? मैंने एक बार मना कर दिया ना तुम्हें, तुम नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। देखो मैंने तो तुम्हें बस इतनी सी बात बोली है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ दिनों की तो बात है, मैं चली जाती हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। कुछ दिन? तुम एक दिन के लिए भी नहीं जा सकती, समझी? लेकिन क्यों? अच्छा तुम्हें लगता तुम्हारी जबान ज्यादा चल रही है? एक बात बताओ, अगर तुम चली गई तो यहाँ मम्मी का ध्यान कौन रखेगा, उनकी सेवा कौन करेगा? घर के 10 काम है, कपड़े बर्तन साफ सफाई, ये कौन करेगा? तुम ही करोगी ना, चुपचाप घर में रहो और काम करो। लेकिन मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम यहीं रहोगी, समझी? आ गया बेटा। हाँ माँ। बहू पानी तो लिया बेटा। माँ पूजा कहाँ है? इतना टाइम हो गया ससुराल से यहाँ पे आई नहीं है, याद नहीं आती क्या उसको हमारी? मैं तो उसको इतना मिस करता हूँ। क्या बताऊँ बेटा, जब से शादी हुई है आने का नाम ही नहीं ले रही। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि बेटा आ जा घर में, सब तुझे याद कर रहे हैं, पर पता नहीं क्यों। अच्छा एक काम करो, अब मेरे सामने उसे कॉल करो। हाँ ये ठीक है। हेलो। हाँ बेटा कैसी है तू? अरे तेरा भैया भी तुझे याद कर रहा था, घर कब आएगी तो बता। क्या पर क्यों क्यों मना करते हैं बेटा? अरे तेरी भी तो लाइफ है, और फिर देख बेटा। हेलो हेलो, फोन काट दिया। क्या हुआ माँ? कह रही थी कि उसके ससुराल वाले उसे कहीं भी आने जाने से मना करते हैं, कहते हैं कि बस घर के कामकाज करो, यहाँ तक कि फोन तक करने की मनाही है। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है बेटा, कहीं मैंने अपनी बच्ची की शादी किसी गलत घर में तो नहीं कर दी? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ मम्मी जी? अच्छा हुआ वो नहीं आ पाई, वो वहाँ रहकर अपने सास ससुर की सेवा करेगी और सारा घर संभालेगी। क्या बकवास कर रही हो बहू, अरे मेरी बेटी कोई नौकरानी है जो घर के काम करेगी सारे? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ये नहीं कह रही कि वो उस घर की नौकरानी है। वैसे भी पूजा के ससुराल वालों ने ना उसके साथ बिल्कुल अच्छा किया, शादी के बाद बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही होता है। कनिष्का क्या बकवास किए जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम मम्मी जी से जबान लड़ा रही हो? अरे अब इस पर चिल्लाने से क्या फायदा, शादी के बाद इसे काबू में करना चाहिए था, तो इसकी हिम्मत नहीं होती मेरे सामने इस तरह जबान चलाने की। अरे मम्मी जी इतना भी क्या है, आप लोग भी तो मेरे साथ वही करते हो जो आपकी बेटी के साथ हो रहा है। और अब क्या कह रही थी कि मुझे काबू में रखना चाहिए था, क्यों मैं इस घर की कोई कठपुतली हूँ या कोई खिलौना कि जब मन चाहेगा आप काम कराएगी और जब काम नहीं होगा तो आप मुझे एक कोने में फेंक देंगी? यही संस्कार दिए तुझे तेरी माँ ने? मम्मी जी मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी तो आप लोगों के इतना गलत करने के बाद भी आप लोगों की हर बात मानती हूँ, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती हूँ, पर आपकी हमेशा सेवा करती हूँ। कनिष्का शांत हो जाओ एकदम, चुपचाप रूम में जाओ यहाँ से, चलो। अरे एक तो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी को लेकर, और ऊपर से ये क्या वो। मम्मी जी इतनी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आप जो भी मेरे साथ करती हैं आपकी बेटी के साथ उसके ससुराल वाले वही कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है वो धीरे धीरे झेलना सीख जाएगी जैसे मैं सीख गई हूँ, धीरे धीरे वो ये भी सीख जाएगी कि कैसे सास ससुर के आगे चुप रहना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए चाहे वो कितना भी गलत कहे, पर अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा नहीं पाएगी। क्यों सही कहा ना मम्मी जी? ठीक कह रही है बेटा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बेटी भी किसी घर में बहू बनकर गई है। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया है कनिष्का, मुझे माफ कर दे बेटा। अरे जैसे मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचती हूँ ऐसी तेरे माता पिता भी सोचते होंगे, पर मैं वादा करती हूँ आज के बाद तुझे कभी भी कहीं आने जाने से नहीं रोकूंगी, तू जैसे रहना चाहती है उस तरह रह बेटा,
मैं तुझे कभी रोका टोकी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। कनिष्का मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था और ऐसे बदतमीजी से तो बात कभी नहीं करनी चाहिए थी। I'm really sorry. कोई बात नहीं, आप दोनों को आपकी गलती का एहसास है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कभी भी किसी की बेटी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। हम भी आपकी बेटी है, कम से कम आपको अपनी बहू को बेटी समझना चाहिए, ना कि कोई नौकरानी। हाँ बेटा ठीक कहती है तू, आज के बाद मैं तुझे इस घर में बहू की तरह नहीं बेटी की तरह ही रखूंगी। माफ कर दे हमें। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए खाना लगाती हूँ।